दूसरे चरण में जिले में 5 सीटों को लेकर नामांकन की प्रक्रिया संग्रहालय परिसर में चल रही है। नामांकन के दूसरे दिन भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें कांटी विधानसभा क्षेत्र से और कई अन्य विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशियों का तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। आगे जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा सुनिए। कांटी के जनता का उम्मीदवार हूँ, पर्चा भरने जा रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, समाज के सभी वर्गों का उत्थान, सबों को सम्मान, कांटी में अमन चैन शांति, बेरोजगारों को रोजगार और किसान मजदूरों का खेत में हरियाली और खुशहाली कैसे रहे, यही मेरा मुद्दा है। और हम चुनाव जीत के लिए नहीं, मार्जिन के लिए लड़ रहा हूँ। लहर नहीं ललकार है, कांटी से फिर अजीत नामांकन हो गया। महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैंने अभी नामांकन दाखिल किया 90 मीनापुर विधानसभा से, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री का, तेजस्वी जी का बनना एकदम तय है। लेकिन बाढ़ को लेकर काफी नाराजगी, बाढ़ के छिल्ले करके नाराजगी क्या है, हम लोग तो दी दात एक किए रहे, सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली, लोगों को अभी तक 6000 रुपया नहीं गया, पॉलीथिन नहीं दिया, एक मोमबत्ती सलाई नहीं दिया। हमारी सरकार होगी, गरीबों का सरकार बनेगा, गरीबों के लिए सारा काम होगा। हम अपने कांटी के महान जनता समेत पूरे बिहारवासी से अपील करना चाहते हैं कि अभी राज्य में जो शिक्षित युवा जो बेरोजगार काफ़ी संख्या में हैं, हम सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षित बेरोजगारों को, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी बोला है कि पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम। चुनावी मैदान में है और आपकी देखिए, पहली बार और दूसरी बार से नहीं होता है, कभी से सचिन तेंदुलकर का दौर आता है तो कभी विराट कोहली का भी या कभी धोनी का भी, समझे। तो आज जिसकी दौर है समझ में आ जाएगी, जनता का अपार समर्थन और प्रेम हम लोग के साथ है। नीतीश कुमार जी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है, क्या जाति, क्या धर्म, क्या समाज, क्या संगठन, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सबको एक साथ लेकर चले हैं। तब बिहार में विकास हुआ, तब नीतीश कुमार हुआ और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार एक मॉडल बिहार बनेगा, जिसकी सराहना देश नहीं विदेश तक होगी। मैं इस पे क्या बोल सकती हूँ, आप सभी जानते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? कांटी विधानसभा के लिए प्राथमिकता, पूरे सारी मुद्दे पर मेरी प्राथमिकता होगी। किस मुद्दे पर, मेन आपका क्या मुद्दा है जो जिस पर आप? कांटी का विकास, गरीबों की सम्मान, महिलाओं का मान सम्मान। आपके सामने कई दावेदार हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, आप एक चौथी चौथा मुकाबला, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? जीत के प्रति कितनी आश्वस्त है? मैं 110% आश्वस्त। परिचय? नीरा देवी।